उस पहाड़ की चोटी की। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं नारायण में। तो ये बहुत ही वादियों वाला शहर है और नारायण पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग इधर के मौसम से लगा सकते हैं कि इधर गर्मियों में भी ठंड रहती है, जब सर्दी होती है तब यहाँ पे 4-4 फीट तक बर्फबारी होती है। तो ये इधर का एक नदी है छोटी सी जो कि दरिया कुनार में जाके मिलती है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं सीधा शहर की तरफ और आप लोगों को शहर दिखाते हैं। तो ये हमारे दोस्त है, ये आप अपना नाम तो बता दें। अतीक अंसारी। अतीक अंसारी कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर, लाहौर से आए। बहुत ही प्यारे भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रणबीर तिवारी ब्लॉग जरूर देखना। तो ये नारायण शहर की जो है मेन बाजार है, इसी से हम पैदल जाएंगे सीधा। यहाँ पे तकरीबन जो लोग इसी शहर के नहीं आए, दूर दूर से आए हुए टूरिस्ट हैं। हाल पाकिस्तान से लाहौर, कराची, सिंध, पंजाब। इस साइड पे इस शहर के बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा और इस साइड पे दरिया यहाँ से देख सकते हो। पहाड़ की चोटी पे आप लोगों को बिल्कुल धूप नजर आएगी, बल्कि इधर इस साइड पे जो छांव है वो इस पहाड़ की चोटी की वजह से, तो पहाड़ जो है बिल्कुल ऊंचा है। तो अभी हम सैफल मलुक झील से आए हैं, अभी जा रहे हैं सीधा वापस। मौसम भी एक फैक्टर के जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठंडा रहता है ना। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि इसको क्रॉस करने में मुझे करीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा तेज़ चलते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, बस चलेगी नारायण से कागान, तो उधर भी हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। सागर भाई की यार ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर अभी हमने इसकी मेडिसिन भी लिया, वरना इधर द्यार का एक पूरा जंगल है। ये जो जंगल है ना, इस पर हमने जाने का सोचा था कि ये जंगल आप लोगों को दिखाएं अंदर जाके कैसा है, लेकिन भाई की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हम डॉक्टर के पास आधा घंटा घंटा रुके रहे। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो ठंड सी लग रही है। अभी ठंड क्योंकि झील सैफल मलुक पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा जितना आप लोग सोच सकते हो। इसी वजह ठंड के कारण इन्हें थोड़ी सी सर्दी लग गई और थोड़ा सा बुखार आ गया। अभी मेडिसिन लिया, ठीक हो जाएगा। तो आप लोग जब आओ तो अपने जैकेट वैकेट लेके आओ ताकि आप लोगों को भी ठंड ना लगे। मेरे जो बाकी दोस्त हैं उनको चक्कर आ रहे हैं सर्दी की वजह से, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग आओ। इधर से थोड़ा पिस्ता बादाम ना ले लें सागर। पूछता मैं, पूछते हैं बादाम कैसे मिलेगा सर जी, गिरी गिरी कैसे? अच्छा कितने की है? 500 की। इससे छोटे होगी? आप हमें सिर्फ 100 रुपए का दे दे, ये अकेले बंदे हैं ना। किलो फिर कितने का बना? 400 रुपए पाओ तो मैं 1600 रुपए का। मुनासिब बैठा वाला ना किस्मो ने जी बजी का ना किस्मो ने भी सारा बस सारा वो जो खेमा उसका ड्रोन दा सामान तो ड्रोन दा दे वाला है जी सर जुड़। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। गर्मी सर्दी हो गई। अच्छा तो फ्रेंड्स हमने 100 रुपए के बादाम लिए हैं क्योंकि हमें सर्दी लग रही है ना, तो इससे कुछ गर्म हो जाएंगे हम लोग। तो ये तोरस भाई है, इनको शदीद भूख लग चुकी है, तो अभी हमें भी यार लग गई है। हमने मॉर्निंग से कुछ खाया भाई, चावल खाए मॉर्निंग में चावल, तो अब और कुछ नहीं। ऐसे ही पहाड़ों पर चले गए, फिर पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो अभी हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं इधर से, दाल चावल जो भी मिलता है। बताना चावल या रोटी? रोटी मिल जाए तो अच्छी बात। तो रोटी, रोटी क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं, चावल दो दिन में बोर हो जाते हैं। ये बस में चावल खा खा के ना बोर हो गए हैं, अब हम इधर देख रहे हैं कोई होटल मिलता है तो उधर से आ जा। इधर आ, इधर बैठे हैं, अब खाने का ऑर्डर करते हैं और खाना आता है फिर खाते हैं। बहुत भूख लगी हुई यार। पंजाब टिक्का हाउस नारायण,
अब कोई आए तो हम उसे बोलें क्या चाहिए। अभी ऐसे है, खाना खाने के बाद देखना चेहरे पे रौनक आ जाएगी। मैं आप लोगों को मेन्यू दिखाता हूँ। आप लोग पॉज करके देख सकते हो। 8 नान होंगे और 2 प्लेट सब्जी। फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने इधर से खाना पीना कर लिया है। अभी हमारा एक दोस्त जो है वॉशरूम गया हुआ है, तो वॉशरूम से जैसे आता है फिर हम लोग चलेंगे अपने बस की तरफ। तो उधर ग्लेशियर भी देखेंगे और भी बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। और इधर का व्यू देख सकते हो इस होटल का, पंजाब टिक्का हाउस। ये कुछ होटल का व्यू है इस तरह से। हम 4 लोगों ने मतलब 900 रुपये में खाना खाया। 900 रुपये 4 लोगों ने, इतना महंगा भी नहीं जितना लोग बोलते हैं कि नारायण कागान में खाना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 200 रुपये में एक बंदा। अब वैली भी तो है ना, बहुत दूर से आता है खाना हमारे का, तो इसी वजह से। अभी शाम 6:40 का यह व्यू है नारायण शहर का। मटका चाय कितने की मिलती है? 150 की। हाफ कप मिलेगा? हाफ कप नहीं होता। अच्छा, ये मटका भी साथ मिलेगा, लेके जा सकते हैं एक दो। नारायण की मटका चाय यार टेस्ट करनी चाहिए। आप लोग भी आओ तो आप लोग भी जरूर टेस्ट। ठीक, तो बिजली पे गैस पे? गैस पे। तो फिर इसमें बहुत सारे मटके रखे हुए और इसमें चाय बनेगी, तो इसमें मटके का स्वाद आएगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हम भी देखें। जरूर जरूर। तो फ्रेंड्स ये मटकों के जरिए गर्म और मटके देखो ना अंदर रखे हुए और चाय करते हैं। मैंने सोचा कि इसके अंदर मतलब चाय बनेगी मटके के अंदर रख के, पर ऐसा नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। मटका इतना गर्म है कि वो उसे उबाल रहा है, गर्म हो रही है। तो फ्रेंड मटके को इतना गर्म किया जाता है बार बार के मटके से ही चाय तैयार हो रही है, मतलब बाहर पतीले में बिल्कुल भी उसको आग में नहीं रखा गया। मटका चाय पकड़ो, इसको टेस्ट करते हैं पहले। तो फ्रेंड बहुत ही कड़क चाय है और इसमें मटके का बिल्कुल स्वाद है यार, बिल्कुल मटके का स्वाद। अभी हम लोग वादी नारायण से कागान की तरफ वापस जा रहे हैं और रात हम लोग उधर ही रुकेंगे। आज हम लोग कागान वैली में दोबारा आए हैं और इधर मैं दरिया कुनार को देखने के लिए फिर से आ गया। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, करीबन 6 रहे होंगे अभी। तो फ्रेंड फाइनली खाना आ चुका है और अब इसको फिनिश करते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, पराठे प्लस दाल। तो खाना खाते फिर इधर से चलते हैं सीधा मरी, और मरी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने जुड़े रहना यार हमारे साथ, व्यू भी कमाल का आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे साथ कंडक्टर भाई। तो ये मेरा बेल्ट बाहर रह गया, तो अब मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूँ कि उसमें वापस रख दूँ। तो इधर ही है मेरा बैग, पता नहीं कहाँ गया अब इतने सारे बैग्स में। तो
फ्रेंड्स, आज हम लोग इस प्यारे से एरियाज को छोड़कर वापस जा रहे हैं। देख सकते हो कितना प्यारा एरिया है। ये टूर हमें पड़ा है 10,000 का। 10 दिन का टूर था जिसमें 3 दिन हमें यहाँ तक आने में लगे हैं और 3 दिन हमने इधर स्टे किया। 6 दिन चले, बाकी 4 दिन रहते हैं। 4 दिन में हम एक दिन रहेंगे न्यू मरी में और फिर रावलपिंडी में रावल झील पर और फिर लाहौर से एक दिन हमें घर जाने में लग जाएगा। तो रास्ते में देख सकते हो प्यारे प्यारे मंजर आ रहे हैं, घोड़े चरा रहे हैं और इधर उधर भी बहुत प्यारे नज़ारे हैं। तो फ्रेंड्स, किवाई वाटरफॉल है, इधर हम रुकेंगे, आधा घंटे का स्टे हमारा। मैं पकड़ सकता हूँ? आप पकड़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ से आगे जाने का 20 रुपये चार्ज करेंगे, तो 20 रुपये हम भरेंगे यार, इतनी दूर आए हैं तो। तो फ्रेंड्स, अभी ना मेरा गाने को मन कर रहा है इन पहाड़ियों को देख के। तो ये पहाड़ों पर होगा, किसी और पे नहीं। जब से तुम्हें देखा दिल को मेरे आराम नहीं, इसके आगे मुझे भूल गया है। मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ए, चले की वो ये लाइव चले, वो ये चला तो रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे गन्ने का जूस पियेंगे इधर से। बस ये रुकी है हमारी 5 मिनट के लिए, तो मैंने सोचा गन्ने का जूस पी लें, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। ये बना रहे हैं पापा जी। पापा जी, कितने का है गन्ने का जूस? 100 रुपये का। फ्रेंड्स, ये है गन्ने का जूस है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, हम लोग जो है बालाकोट पहुंच चुके हैं और ये है बालाकोट उधर से दिखेगा आप लोगों को ये। अभी थोड़ा सा गाड़ी आगे जाके मुड़ेगी ना, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अच्छे से बालाकोट।